हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। एंड जब मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रिटेन की कॉलोनी बन चुका था, नेपाल कंटिन्यूड टू बी फ्री। यस, नेपाल उन चुनिंदा देशों में से है जो कभी भी कॉलोनाइज ही नहीं हुआ। जब इंडियन कॉन्टिनेंट के माइटी किंगडम्स एक के बाद एक करके ब्रिटिश के कंट्रोल में आते गए, नेपाल जैसे छोटे से रीजन ने अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करके रखी। और डिड इट ट्रूली, क्योंकि एंग्लो नेपाली वॉर के बाद तो ब्रिटिशर्स के पास अच्छा खासा चांस था कि वो पूरे नेपाल पे अपना कब्जा जमाए या फिर उसे इन्वेड कर सके। सो क्यों इसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया, जस्ट एक्सेप्ट नेपाल। सो वेल, ये बात है 1760s की, जब नेपाल कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इट वॉज जस्ट अ ग्रुप ऑफ स्मॉल टेरिटरीज जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। इन्हीं टेरिटरीज में से एक था एक छोटा सा किंगडम कॉल्ड गोरखा। गोरखा किंगडम के उस समय के राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। वो सिर्फ 20 साल के थे जब उन्हें गोरखा का किंग बना दिया गया था, और तभी से ही उन्हें इंडियन टेरिटरीज में बढ़ते मुगल इन्फ्लुएंस से काफी ज्यादा चिंता होने लगी। और उन्होंने ये सोचा कि इससे क्यों ना नेपाल को बचाने के लिए उन सारे छोटे टेरिटरीज को यूनाइट किया जाए और एक देश बनाया जाए। उनका ये एम्बिशन था कि असली हिंदुस्तान यानी लैंड ऑफ हिंदूज एस्टैब्लिश किया जाए, जो कि मुगल रूल या किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस से कंप्लीटली अलग हो। सो अपने टैक्टफुलनेस और अपनी फियर्स गोरखा आर्मी के बलबूते पर भूटान और कश्मीर के बीच के जितने भी टेरिटरीज थे, उन्होंने वो सब कॉन्कर कर लिए और 1769 में एस्टैब्लिश कर दिया द किंगडम ऑफ नेपाल। अब नेपाल में तो एक ओर गुरखास एक स्ट्रॉन्ग पावर बनके इमर्ज हो रहे थे, लेकिन वहीं पर दूसरे ओर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1757 के बाद से धीरे धीरे इंडिया में अपने डोमिनेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया था। सो अब क्योंकि पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में मेजरली गुरखास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही दो पॉकेट्स ऑफ पावर्स इमर्ज हुए थे, तो उन दोनों का एक दिन टकराना तो ऑब्वियसली बात थी। लेकिन अगर ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके एजेंडा में नेपाल एक्चुअली कभी था ही नहीं, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी, एंड दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई नेपाल कभी कॉलोनाइज नहीं हो पाया। सो आइए जरा नेपाल की ज्योग्राफी पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। वो 75% माउंटेन से ही कवर्ड है। दुनिया के सबसे रगेड और अनइनहैबिटेबल टेरेन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और ब्रिटिशर्स को हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स पर लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। प्लस ब्रिटिशर्स के पास एक अपहिल बैटल करने की फाइनेंशियल और फिजिकल क्षमता दोनों भी नहीं थी। सो इट्स अ सिंपल फैक्ट कि नेपाल की ज्योग्राफी ने कहीं ना कहीं उसे प्रोटेक्ट किया। नाउ नेपाल के कॉलोनाइज ना होने का सेकंड रीजन ये भी था कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन नेपाल को एज अ बफर स्टेट देखता था। यानी नेपाल को कॉन्कर करना मतलब डायरेक्टली चाइना के पावरफुल चिंग एम्पायर से बाउंड्री शेयर करना। एंड ब्रिटेन अभी अभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपने फुटहोल्ड को एस्टैब्लिश कर रहा था, एंड ऐसे में इट डिडंट वांट टू कम फेस टू फेस विद चाइना। एंड दिस इज आल्सो द रीजन कि सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स ने भूटान, कश्मीर और सिक्किम को भी इन्वेड नहीं किया। बट ब्रिटेन कुडंट अवॉइड नेपाल फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि ब्रिटिश और गुरखा फोर्सेस पहली बार अपने आमने सामने आए इन 1769 इन सिंधुली गढ़ी वॉर। देखो, काठमांडू वैली नेपाल रीजन में एक इंपॉर्टेंट किंगडम था, और ब्रिटेन के उसके साथ ऑलरेडी काफी क्लोज ट्रेड रिलेशंस थे। सो जब पृथ्वी शाह ने अपने यूनिफिकेशन मिशन के तहत काठमांडू पर अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने दोस्ती निभाने के लिए अपने ट्रूप्स वहां पर भी भेज दिए, और इसी से शुरू हो गया द फेमस सिंधुली गढ़ी वॉर। और फेमस इसीलिए क्योंकि इसमें ब्रिटेन बुरी तरीके से हार गया और उनके 1000 सोल्जर्स भी मारे गए थे। इनफैक्ट उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उनके सोल्जर्स अपने आर्म्स और एमिनेशंस को उधर ही छोड़कर भाग गए, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द फियर्स गोरखा आर्मी। नाउ गोरखास की वॉर टेक्निक्स काफी यूनिक थी। वो रॉक्स, बोस, एरोस एंड स्पेशली देयर खुकरीज, जो कि एक किस्म का नाइफ है, उसे यूज करने में एक्सपर्ट थे। नॉट जस्ट दैट, दे वर आल्सो मास्टर्स ऑफ गरिल्ला वॉरफेयर, जो कि शिवाजी महाराज भी काफी यूज किया करते थे, जो कि सरप्राइज अटैक्स होते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, वो सिंधुली के टेरेन्स के कोने कोने से फेमिलियर थे। एंड नॉट टू फॉरगेट, यहाँ पर नेपाल के ऑपोजिट ईस्ट इंडिया कंपनी है एंड नॉट ब्रिटिश एम्पायर एज अ होल। सो बेसिकली नेपाल की धरती पे गोरखास को हराना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब फ्रेंड्स, जैसे हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं ताकि आगे आने वाले समय में हम बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके, वैसे ही लेट्स टॉक अबाउट टुडेज इंडिया। आज के 138 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन में भी इमेजिन्ड या आइडियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ काफी डिफर करती है, जैसे सिलेक्शन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जॉब्स एटसेट्रा। क्योंकि सिर्फ डिग्री होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि चाहिए होता है स्किल्स जो एक्चुअल में आपको हाई पेइंग, हाई क्वालिटी जॉब्स दिलाता है, एंड स्पेशली इन इंडस्ट्रीज जो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। और इसी गैप को ब्रिलियंटली फुलफिल करता है स्किल लिंक। स्किल लिंक इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग
e-learning edtech platform, जहाँ पर आपको मिलते हैं PG programs across domains like mechanical, civil, electrical, electronics, CSE, etc., etc. और इतना ही नहीं, skill link पर आप courses भी कर सकते हो futuristic technologies पर, जैसे कि hybrid electric vehicles, autonomous vehicles, AI, data science, machine learning और भी बहुत सारी कुछ. Now, why should you go for it? Four main reasons. Number one, world-class curriculum developed by industry experts. Number two, project-based practical learning for students. Number three, live technical support. Or number four, dedicated customer success team for placement. इस ऐप पर 15,000 active learners हैं और अभी तक 2,000 plus students को job भी मिल चुके हैं, क्योंकि इनके साथ जुड़े हैं 300 plus recruiting companies. साथ ही इनके साथ curriculum partnerships for course design and software access है with Cyent, MathWorks, Renault, Nissan, AMTZ, etc., etc. तो रुके क्या हो, डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है लिंक, किसी भी कोर्स पर 15% ऑफ पाओ एंड अ फ्री करियर गाइडेंस सेशन एज वेल. एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक. एंड दिस माय फ्रेंड्स मेक्स फॉर द थर्ड रीजन ब्रिटिश नेपाल को कॉलोनाइज नहीं कर पाया, ब्रेव एंड हाईली स्किल्ड गोरखा वॉरियर्स का डर. और मैं इसे कोई एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा हूं, ब्रिटेन इनकी आर्मी से इतना डर गया कि अगले 50 सालों तक उन्होंने गोरखा से कोई भी कॉन्फ्रंटेशन तक को अवॉइड कर दिया, अंटिल द फाइनल शोडाउन द एंग्लो गोरखा वॉर इन 1814. ये वॉर 2 सालों तक चला कंटिन्यूसली और इसी ने नेपाल की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दी. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इस जंग के पीछे दो मेन वजहें थी. ब्रिटिश तिब्बत के साथ ट्रेड करना चाहता था एंड एज यू कैन सी इंडिया और तिब्बत के बीच में है विशाल हिमालयास, और इसीलिए तिब्बत तक पहुंचने के लिए हिमालयास के कॉम्प्लिकेटेड रूट्स को क्रॉस करना पड़ेगा. एंड द ओनली नेविगेबल रूट्स जो साउथ एशिया को ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता था वो सारे नेपाल के कंट्रोल में थे. तो ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि नेपाल में एक फ्रेंडली रेजिम हो ताकि वो इजीली ट्रेड कर सके. अब यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड बैरियर्स थे और प्रीवियस की सिंधुली घड़ी वॉर के वजह से ब्रिटिशर्स के नेपाल के साथ टेंशन्स तो चल ही रहे थे, लेकिन द फाइनल स्ट्रोक वॉज जब गोरखाली आर्मी ने अवध प्रोविंस पर अटैक कर दिया, वो अवध जो ब्रिटिश का एक प्रोटेक्टोरेट था. सो बस फिर क्या था, अब तक इतना टालते रहने के बाद British had no choice but to go on a war with Nepal. But remember, British ने सिंधुली घड़ी में मिली हार से सबक लिया था. And this time they came better prepared. उनके पास इस बार ज्यादा weapons और ज्यादा soldiers थे. But despite that, interestingly, गोरखाली army initially उन पर काफी ज्यादा हावी थी. So much so कि ब्रिटेन के 7 अलग-अलग generals को 7 अलग-अलग दिशाओं से नेपाल को अटैक करना पड़ रहा था. And finally, इसी strategy के वजह से ब्रिटेन नेपाल के कुछ हिस्सों को annex कर पाया. लेकिन इससे पहले ब्रिटेन और आगे बढ़ता, दोनों साइड्स एक मिडिल ग्राउंड पर आ गए और उन्होंने साइन किया द ट्रीटी ऑफ सुगौली, जिसके ये कॉन्सिक्वेंसेस थे. नंबर वन, नेपाल ने अपनी 1/3 टेरिटरी विच इंक्लूड्स सिक्किम, कुमाऊं गढ़वाल एंड तेराई रीजन ब्रिटिश के हाथों गवा दिया. एंड अ स्मॉल फन फैक्ट, मॉडर्न डे नेपाल के मैप का जन्म भी यहीं से हुआ. नंबर टू, ब्रिटिश को नेपाल के रॉयल कैपिटल काठमांडू के बीचों बीच अपनी एक एम्बेसी सेटअप करने का एक्सेस मिल गया, जिससे उनके लिए ट्रेड आसान हो गया और साथ ही साथ ब्रिटेन नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी एक वॉचफुल आए रख पाया. एंड लास्टली, ब्रिटिश ने बहुत ही स्मार्टली गोरखास को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया टू यूज गोरखास इंपेकेबल फाइटिंग स्किल्स टू देयर ओन एडवांटेज. सो नाउ, नेपाल ब्रिटिश कॉलोनी बनने से तो बच गया, बट इट वाजंट 100% इंडिपेंडेंट आइदर. वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस खुद का, पर ओवरऑल कंट्रोल ब्रिटिश का. सो नेपाल गॉट लकी, आई गेस. एक्चुअली नो, मतलब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेपाल के 1/3 एरियाज एनेक्स करने के बावजूद पूरे नेपाल को अपनी कॉलोनी नहीं बनाने के पीछे दो मेजर रीजंस थे अब तक. एक तो ज्योग्राफिकल टेरेन्स और दूसरा EIC की आर्मी स्ट्रेंथ और पावर. बट आप खुद ही सोचो, ये रीजन EIC को कब तक एक्चुअली में रोक के रख सकता था. 1857 के इंडियन रेवोल्यूशन के बाद जब भारत डायरेक्टली ब्रिटिश राज के अंदर आ गया, डू यू थिंक तब भी वो नेपाल को छोड़ देते? वेल नो, बट फिर भी छोड़ दिया, क्योंकि 1846 में नेपाल में एंट्री हुई जंग बहादुर राणा की. वो राणा डायनेस्टी जिसने आगे चल के नेपाल में 104 सालों तक रूल किया. सो बेसिकली जंग बहादुर ने अपने आप को नेपाल का परमानेंट प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया और एक कंप्लीटली टोटलिटेरियन रेजिम विद नो अपोजिंग वॉइसेस एस्टैब्लिश किया. इन द मीनवाइल ब्रिटेन इंडिया में एक्सपैंड तो हो ही रहा था, पर धीरे धीरे नेपाल के पॉलिटिकल स्पीयर में भी उसका इंटरफियरेंस बढ़ रहा था. और बस इसीलिए नेपाल को ब्रिटिश की कॉलोनी बनने से बचाने के लिए जंग बहादुर ने एक सिंपल सी रणनीति अपनाई, टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और ये प्रूव करना कि दे कैन ट्रस्ट नेपाल और नेपाल कभी उनके रास्ते का कांटा नहीं बनेगा.
So 1857 में जब इंडिया का फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स के लिए ऑलरेडी इंडियन प्रोटेस्ट को कर्ब करना भारी पड़ रहा था। और यहीं पर जंग बहादुर को दिखा एक अपॉर्चुनिटी। उसने मोर देन 3,200 सोल्जर्स ब्रिटेन की मदद के लिए इंडिया भेज दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, लखनऊ और अवध जैसे रीजन में हो रहे रिवोल्ट को नियंत्रण में लाना ब्रिटिशर्स के लिए नेपाली सोल्जर्स के बिना पॉसिबल भी नहीं था। इनफैक्ट इसी के दौरान जब काफी सारे इंडियन रिवोल्टर्स नेपाल के तेराई रीजन के जंगलों में जाकर छुप गए, तब जंग बहादुर ने उन सभी को कैप्चर करके मार डाला। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस क्रिटिकल टाइम पर अगर नेपाल ने इंडिया का साथ दिया होता तो क्या होता। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो नेपाल की जनरल मैसेस भी इंडिया के इस इंडिपेंडेंस रिबेलियन से सिंपथाइज करती थी, उनको सपोर्ट करती थी। बट राणा ने अपने पावर और कंट्रोल को मेंटेन रखने के लिए ब्रिटेन का एलाय बनने का डिसीजन ले लिया था। और इनका ये डिसीजन इतना इन्फ्लुएंशियल था कि इस घटना के 62 साल बाद भी जलियांवाला बाग की शूटिंग में डायर के अंडर के 50 में से 25 शूट करने वाले गोरखा सोल्जर्स थे। एंड स्पीकिंग ऑफ टुडे, आज भी गुरखास ब्रिटिश आर्मी के 3% सोल्जर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स द किंग वाज रिवॉर्डेड फॉर ऑल दिस। 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने जंग बहादुर को हाईएस्ट ब्रिटिश मेडल द नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बैथ से ऑनर किया था। इनफैक्ट ये फर्स्ट फॉरेन रूलर थे जिन्हें इस टाइटल से नवाजा गया था। एंड दैट इज द फोर्थ रीजन व्हाई नेपाल ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से बच सका, बाय बीइंग अ ट्रस्टेड एलाय ऑफ द ब्रिटिश। और इस पे एक एडेड बेनिफिट भी था, द गोरखास। अगर ब्रिटिश ने नेपाल को कॉलोनाइज कर लिया तो उन्हें गोरखास को दूसरे कॉलोनाइज नेशंस की फोर्सेस की तरह फंड, ट्रेन और मेंटेन करना पड़ता, लाइक दे डिड इन द केस ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। पर अब जब उन्हें रिसोर्सेस मिल रहे हैं फ्री में और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो फोकट का वॉर करके काय को अपना टाइम वेस्ट करे। एंड दैट इज द फिफ्थ रीजन व्हाई ब्रिटिश नेवर बॉदर्ड टू कॉलोनाइज नेपाल। उन्हें उस टाइम नेपाल से जो सबसे बड़ा रिसोर्स मिल रहा था वो था मैन पावर, वो था आर्मी मैन, और वो उन्हें ऐसे भी फ्री में मिल रहा था। सो दे डिडंट हैव अ लॉट ऑफ reasons to fight for that. It was the result. इस एक्सचेंज के benefits नेपाल को भी मिले और नतीजन नेपाल को लॉन्ग टर्म तक कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिला रहा। जंग बहादुर की यही स्ट्रेटेजी कंटिन्यू की उनके सक्सेसर्स ने। इन सब के अलावा भी द राणास वर फेमस फॉर देयर हंटिंग डिप्लोमेसी। राणास का एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ हंटिंग एक्सपेडिशंस पे जाते थे। एंड इन वन ऑफ दीज एक्सपेडिशन इन 1921 नेपाल के एक रूलर शमशेर चंद्रा का प्रपोजल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस गॉट एक्सेप्टेड। एंड फाइनली इस डिसीजन को फॉर्मलाइज किया गया इन 1923 इन नेपाल ब्रिटेन ट्रीटी, जब नेपाल को एक इंडिपेंडेंट नेशन का रिकॉग्निशन मिला। सो इट्स ऑब्वियस नाउ, अगर हम टाइमलाइन को देखें तो इंडिया के 1947 में इंडिपेंडेंट होने से पहले ही नेपाल इंडिपेंडेंट हो चुका था। एंड बिकॉज़ वो पहले से ही इंडिपेंडेंट हो गया था, ब्रिटिश के जाने के बाद वो इंडियन टेरिटरी से इंटीग्रेट नहीं हुआ। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोग का ओपिनियन पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है नेपाल के लिए ब्रिटिशर्स का साइड लेना बेनिफिशियल रहा या इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना ज्यादा बेनिफिशियल रहता था अगर नेपाल शुरू से ही इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करता तो? आज हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ डिफरेंट हो सकता था। आपका जवाब क्या है नीचे कमेंट्स में लिखना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला एक तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सरप्राइज फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।